रिसेंटली मैंने अपनी चैट जीपीटी की हिस्ट्री देखी। मेरे पहले के सवाल ना बड़े इंटरेस्टिंग थे, जियोपॉलिटिकल केस स्टडी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, या फिर कभी थोड़ा सा कोडिंग वोडिंग भी सीखने की कोशिश की है। फिर जब थोड़ा मजा आया तो मैं बीच में उससे मेल की रिप्लाई लिखवाने लगा कि भाई इसको क्या जवाब दूं, गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, दो तीन लें इसमें से ऑप्शंस बताओ, अरे ये लड़की ने मुझे ये मैसेज किया है, बड़ा सा विटी सा ऐसा फ्लर्टी सा मैसेज बताओ, ये सब। और अब रिसेंट वाली देखूं तो भाई कितने घंटे सोना चाहिए, मैं ये सोचता हूं तो क्या मैं बुरा आदमी तो नहीं हूं, या कहां जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, बोर हो रहा हूं एक मूवी बता दो देखने के लिए। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ यार, एक सेकंड, एआई से तो मुझे और स्मार्ट होना था ना। लेकिन आप पैटर्न नोटिस करोगे, जैसे जैसे ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ी है वैसे वैसे क्वेश्चन भी मेरे और स्टूपिड होते गए। एआई हमारे ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब दे देता है, पर मेरे एआई को लेके कुछ सवाल है जो इस वीडियो में मैं पूछना चाहता हूं। एक तो इतना दिस और दैट है ना इस मामले में कि एआई से क्या पूछे क्या नहीं, पूरी दुनिया ब्रह्मांड की नॉलेज एकदम फिंगर टिप पे आ गई है, तो अब समझ में नहीं आता क्या करें। तो वहां वो डिसीजन पैरालिसिस, कौन सा एआई यूज करें कौन सा नहीं करें, क्या पूछें और क्या नहीं पूछें। और जैसे जैसे इस पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है समझ नहीं आ रहा कि एआई को यूज करना है या एआई से यूज होने से बचना है। सच बताना, अगर आप यूज करते हो तो आपने चैट जीपीटी को अब तक इतना डेटा फीड कर दिया है कि उससे बेहतर आपको भी कोई नहीं जानता। मुझे लगता है इसकी नेक्स्ट स्टेज ये है कि आप जाओगे उससे कुछ पूछने और उसको पता होगा कि आप क्या पूछने वाले हो। एआई जो सबसे बड़ा सोल्यूशन था वो धीरे धीरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रहा है, और ये इतना बड़ा बजवर्ड बन गया है कि अब हर कोई इसको यूज कर रहा है, चाहे उसका मतलब हो या नहीं हो। एआई स्मार्टफोन, एआई कार, एआई ट्रैफिक कंट्रोल, एआई ट्रिमर, एआई जूता, एआई समोसा। AI is like the ori of technology, हर जगह घुसा जा रहा है ये। Obviously, workplaces, job market में AI क्या कर रहा है वो पिछले 2-3 सालों से हम सुनते आ रहे हैं। एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ टाइम पहले, AI कैसे जो जॉब मार्केट का स्ट्रक्चर है उसको पिरामिड से आवर ग्लास बना रहा है। पहले क्या होता था, पहले पूरी हायरार्की होती थी कि नीचे बिल्कुल एम्प्लॉयज हैं, फिर उनके ऊपर उनके मैनेजर हैं, उनके ऊपर उनके टीम लीड हैं, फिर COO, CEO, पूरा एक पिरामिड होता था। अब क्या हो गया है कि AI के आने की वजह से जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो तो कर रहा है अपना काम, उसके पास डेटा ज्यादा है, वो स्ट्रेटजी बना रहा है, बता रहा है बनाने के लिए, और जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं उनकी जॉब भी वही है, जो बीच के मैनेजर्स हैं उनकी जॉब छट रही है, तभी इसको कहते हैं आवर ग्लास मॉडल। एआई बहुत तेजी से इवॉल्व कर रहा है। एक चीज तो बिल्कुल अनडिनाइबल है कि इस टाइम पे जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा तेज है, एकदम एक्सपोनेंशियल है जिसको कहते हैं। मैं बहुत सारे न्यूज़लेटर पढ़ता हूं तो हर रोज हर मेल में 4 नए एआई टूल्स आ जाते हैं, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इतना कुछ सीखने को है, कहां से सीखें, क्या सीखें। वो अभी सीखना अपन ने डिसीजन पैरालिसिस। आज के टाइम में जो एआई की मदद से खुद को अपस्किल कर लेता है उसको बाकी कॉम्पिटिशन से एक कंपाउंडिंग एडवांटेज मिलता है। आज के टाइम में जहां फाइनेंस, बिजनेस, ऑपरेशन ये समझना काफी जरूरी है, ऐसे टाइम में आप एआई की मदद से ज्यादा वैल्यू, बेहतर एफिशिएंसी और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आज के टाइम में बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स खुद को एआई लिटरेट बना चुके हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड वन ट्रूथ, इफ यू वांट टू स्टे कॉम्पिटिटिव यू हैव टू स्टे अहेड विद टेक्नोलॉजी। और यहां आता है इस वीडियो का पार्टनर आउटस्किल, दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म, which is backed by leading AI founders and investors. अब आप सोचोगे यार ये तो बहुत महंगा होगा, तो नहीं, 10,000 रुपए की AI ट्रेनिंग इस टाइम पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। And you can join them this Saturday and Sunday for an exclusive 2-day AI training program. सुबह 10 से लेके शाम को 7। और ये 16 घंटे की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ये आपको सिखाएंगे 10 से ज्यादा टूल्स यूज करके एक पर्सनल AI टूलकिट बनाना, अच्छे और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बिना कोडिंग के वर्कफ्लो ऑटोमेट करना और डेटा एनालाइज करना, बेहतरीन प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाना, और ये जो बताया ना भी AI एजेंट और टूल, ये सब भी बनाना सिखाएंगे। आउटस्किल पर 1,00,000 से ज्यादा प्रोफेशनल सीख चुके हैं अक्रॉस 40+ कंट्रीज। देखो अपना स्किल सेट फ्यूचर प्रूफ करना अपने हाथ में। सो दिस इज द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक, एंड व्हाई कॉल इट इन्वेस्टमेंट, इट इज फ्री। लिमिटेड सीट्स हैं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लो। इनका व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक दे रखी है। रिमाइंडर लगा देना भाई, सैटरडे संडे 10 AM to 7 PM। देखो जितनी सिंपल आउटस्किल ने AI लर्निंग कर दी है उतनी सिंपल मैं आज की वीडियो करना चाहूंगा। अगर आपने इक्का दुक्का यहाँ फॉलो किया है, ज्यादा पूरा रोड मैप नहीं पता, तो यहाँ आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि 2025 में AI में चल क्या रहा है। फायदे तो सब गिना देते हैं, नुकसान क्या है इसके। पर अभी बोर हो गए होगे तुम, पहले ये वीडियो देखो जरा। योगी जी से ज्यादा क्यूट थोड़ी है ये। देखो ये एक बंदा बड़ा फेमस हुआ है जो बंदर बन के व्लॉग करता है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ हरिद्वार, हर की पौड़ी पे गंगा का दर्शन लेने। एनर्जी फील हो रही है, बहुत लोग स्नान कर रहे हैं, मंत्र गुनगुना रहे हैं, और मैं भी रेडी हूँ स्पिरिचुअल व्लॉग बबलू स्टाइल। अगर इस वीडियो पे 1,000,000 लाइक्स आए तो मैं माधव के साथ एक प्रैंक करूंगा।
ये देखो भाई साहब, युधिष्ठिर ज्येष्ठ भ्राता ने क्या प्रो गेमर मूव किया है। भाई कृष्ण ब्रो की तो रिज ही अलग है। ये सोफिया नाम का यूट्यूब चैनल है जिसमें लगभग 200 वीडियोस अपलोडेड है। ये बिकनी पहन के लड़की जाती है, लोगों से उनके ओपिनियन लेती है। बाबा जी, आजकल के लड़कों की कमजोरी में किसका हाथ है? बेटा, उनका अपना ही हाथ है। तुम लेवल ऑफ कंटेंट देख रहे हो, बिल्कुल सारे पैरामीटर टिक हो रहे हैं। एक चीप सी बिल्कुल बिकनी वाली मॉडल क्रिएट कर दी जो जाके लोगों से डबल मीनिंग सवाल पूछ रही है। तुमने शायद पकड़ लिया हो ये AI है, पर गारंटी दे रहा हूं अपने मम्मी पापा को दिखा के देखो एक बार, फेक है रियल है वो पिटने के बाद पता लग जाएगा तुम्हें। ये देख के समझ में आता है कि अब एक स्टेप और आगे बढ़ गए। अब ऐसा नहीं है कि कोई AI से सिर्फ रिसर्च करा रहा है, स्क्रिप्ट लिखा रहा है, इमेज जनरेट करा रहा है। अब पूरे पूरे नए नए कॉन्सेप्ट लोग सोच के AI से बनवा दे रहे हैं, चाहे वो बंदर से ट्रैवल व्लॉगिंग करानी हो या अर्जुन से महाभारत का व्लॉग करवाना हो। आप बस सोचो और AI वो काम कर सकता है। इनफैक्ट एक नया बजवर्ड चल रहा है अब, AI एजेंट। मतलब AI से आप काम करवा नहीं सकते, अब AI भी आपके काम को दूसरे से करवा सकता है। पहले APIs लगते थे जो एक ऐप को दूसरे ऐप से कनेक्ट करते थे और वो बस गिव एंड टेक वाला काम होता था, लेकिन अब आ गया है एज AI एजेंट्स का, जो बेसिकली एक ऐप पे जाते हैं, उससे कोई इनपुट लेते हैं, फिर आपके बिहाफ पे उसको एक फीडबैक देते हैं, फिर उससे कुछ एक फाइनल प्रोडक्ट निकलवाते हैं। पूरा एक लूप चलाता है वो। मल्टीपल AI एजेंट्स मिला के आप एक AI वर्कफ्लो बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ChatGPT ने अभी अपना एक एजेंट लॉन्च किया है जो आपको बस बताएगा नहीं कि भाई 5 ट्रेवल डेस्टिनेशंस कौन सी हैं, वो जाके देखेगा, पहले समझ लेगा कि भाई क्या क्या ऐसा वेदर कैसा चल रहा है वहाँ पे, ट्रैवल ट्रैफिक कितना है, उसके हिसाब से आपको लिस्ट सजेस्ट करेगा और वो आपके लिए बुकिंग भी कर देगा। गूगल और ChatGPT में फर्क इतना ही है कि AI की मदद से लोगों को एक पर्सनलाइज्ड आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा डेटा है जो प्रोसेस हो रहा है तो सब कुछ अपने हिसाब से पर्सनलाइज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन में बात करें तो एक ऐप है खानमिंगो करके, जो बच्चों को उनके हिसाब से उनका करिकुलम डिजाइन करके पढ़ाती है। पहले अगर आपको दूसरी भाषा सीखनी थी तो डुओलिंगो से होता था, उनका एक करिकुलम होता था, लेकिन अब गूगल रीड अलोंग आ गया है जो आपके हिसाब से आपके कोर्स बताएगा। कई सारे आर्टिकल छपते रहते हैं, जैसे अगर आप हेल्थ केयर में बात करो तो हाल ही में गूगल ने 2 AI मॉडल निकाले हैं जो 87% एक्यूरेसी से डायग्नोस कर सकते हैं किसी पेशेंट को, और फिर इसी डेटा के हिसाब से उनको एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान भी दे देंगे। हाल ही में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आपने कहां देखा किसी सोल्जर को ऐसे बैटल फील्ड पे जाते हुए या फिर बॉर्डर्स तक जाते हुए? ज्यादातर ड्रोन्स ही थे जो यहां वहां जा रहे थे। यूक्रेन का वॉर होता है, वहां पे कामकाजी ड्रोन्स होते हैं, और ये जो ड्रोन्स होते हैं इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इतना डेटा फीड होता है इनमें कि इनको कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। आपने टारगेट एक बार लॉक कर दिया, छोड़ दो, अब वो अपना काम करके आ जाएगा। कोई एनिमी ड्रोन आता है तो उसको उस हिसाब से टैकल भी कर देगा, उसके पास सारा डेटा रहता है, रीजनिंग कैपेसिटी रहती है। इससे दो चीजें हो रही है, एक तो ऑब्वियसली ह्यूमन लाइफ्स बच रही है, दूसरा वो कंट्री जो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है, जिसके पास डेटा ज्यादा है, जिसके पास प्रोसेसिंग ज्यादा है, वो आगे है। ऐसी ऐसी जगह पे AI काम आ रहा है जहां हम सोच नहीं सकते। पुलिसिंग में, जैसे बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे ऐसे AI पावर्ड कैमरा लगे हैं जो फेशियल रिकॉग्निशन से जो सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं उनको वो आइडेंटिफाई कर रहा है। बेसिकली पूरा खेल डेटा का है और AI की मदद से ये सारा डेटा फ्यूचर प्रेडिक्शन के साथ अब प्रोसेस हो सकता है, और जो सॉल्यूशन पहले लोगों को शायद 50 दिन में मिलता था अब 5 घंटे के अंदर मिल जाता है। अब इस चीज के बारे में तो सब बात कर रहे हैं कि अरे हाँ AI कितना अच्छा है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस, सब कुछ बदल देगा। कुछ लोग जॉबलेसनेस की भी बात कर रहे हैं कि AI आके जॉब खा जाएगा, वो रोबोट्स बन जाएंगे, ये सारी चीजें हैं जो आपको पता है। बट कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बिटवीन द लाइंस आ रही हैं, जो हम और आप डेली लेवल पे फेस कर रहे हैं, बस हमें पता नहीं है। सिर्फ आपकी जॉब खतरे में नहीं है, आप जैसे जैसे AI को यूज कर रहे हो, अगर आपने ढंग से नहीं किया तो आप, आपका परिवार, आपका खानदान, आपकी सोसाइटी, आपका पूरा वंश, सब खतरे में। ये ज्यादा डरा दिया मैंने, इतना है नहीं वैसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने भी आपको अपना ChatGPT का हिस्ट्री बताया कि कैसे विथ टाइम मैं और स्टूपिड क्वेश्चन पूछने लगा हूं। इसको कहते हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। एक MIT में स्टडी हुई थी जिसने बताया था कि जो लोग AI या ChatGPT ज्यादातर यूज करते हैं उनकी ब्रेन फंक्शनिंग 47% कम है उन लोगों से जो नहीं करते। अगर आप और भी पैरामीटर्स की बात करो, क्रिटिकल थिंकिंग, मेमोरी रिटेंशन, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिन इंसानों ने AI को यूज करना शुरू किया है वो इन पैरामीटर्स में अब कम स्कोर कर रहे हैं। हर चीज आपको जो सोचनी है आप AI से पूछ के उससे जवाब लोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप ज्यादा सोचोगे नहीं, और जो बिहाइंड द सीन्स AI हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, डोपामीन इंजीनियरिंग। जैसे जैसे आप स्क्रॉल फीड देख रहे हो ना, आपको लगता है आप स्लाइड कर रहे हो, नहीं भाई, आप एक स्लाइड कर रहे हो रील, अगली 5 रील कौन सी दिखानी है
वो AI को पता है और उसको पता है कि कम से कम 4 तक तो आप नहीं छोड़ोगे और चौथी रील वो आपको ऐसी दिखा देगा कि आप अगली 4 और देखोगे। बेसिकली ये मॉडल्स आपके बारे में इतना जानते हैं कि आपको कंट्रोल करने लगे हैं। अब AI बहुत इंटेलिजेंट है बट एक इशू इसके साथ चल रहा है, वो है कॉपीराइट का। इस टाइम पे अमेरिका में 20 से ज्यादा ऐसे केसेस चल रहे हैं जो AI और कॉपीराइट के बारे में बात करते हैं। अब इसको बेसिकली ऐसे समझो कि जितने भी ChatGPT ये टूल्स है ना, ये सब है LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिनको बहुत सारे डेटा पे ट्रेन किया जाता है। अगर आप इससे बोल रहे हो कि एक शायरी लिख के बताओ तो ये तब लिख पा रहा है जब इसने कम से कम 1,00,000 शायरियां पढ़ रखी है। अभी जो पुराना डेटा है, जो बुक्स हैं, जो स्टोरीज हैं, जो पोम्स हैं, ये किसी ना किसी का कॉपीराइट है और यही राइटर्स, जर्नलिस्ट, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, इन सब ने इल्जाम लगाए ये बड़ी बड़ी कंपनीज पे कि इन्होंने हमारी बिना परमिशन के उठा के हमारा डेटा ले लिया है और अब ये नया डेटा जनरेट कर रहे हैं और हमको कुछ उसका फायदा नहीं मिल रहा, हमारा कॉपीराइट तो गया ना। फॉर एग्जाम्पल, अपना डेटा सेट बनाने के लिए इन लोगों ने बुक्स 3 से डेटा लिया था, जो एक ऑनलाइन शेडो लाइब्रेरी थी। इतनी सारी बुक्स इन लोगों ने पढ़ ली हैं, एक बुक आपको पढ़नी हो तो आप ChatGPT जाके समरी पूछ लोगे। अगर आपको आज कोई आर्टिकल की समरी चाहिए, आप जाके आर्टिकल की लिंक ChatGPT पे पेश करोगे, वो आपको समरी दे देगा। आप थोड़ी जाके किसी न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन खरीदोगे। और इसी प्रॉब्लम को लेकर रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स इन बड़ी बड़ी कंपनीज पे केस कर चुके हैं। इनफैक्ट पिछले साल ANI ने भी केस किया था, ChatGPT पे कॉपीराइट मार दो, सैम ऑल्टमैन से वसूली कर लो। इनफैक्ट जो इतना कोड लिख ले रहा है, वो भी बहुत साला पुराना कोड पढ़ के लिख ले रहा है ना, तो डेवलपर्स ने गिटहब पे केस कर दिया था कि भाई हमारा इतना डेटा था, हमने कोड मेहनत से लिखा हुआ था, ये आपने कैसे स्टील कर लिया। अच्छा, आपको याद होगा रिसेंटली वो जिबली वाला ट्रेंड आया था, सबने अपनी फोटो डाली और फोटो डाल के एक जिबली आर्ट निकाल दी। अब जिस बंदे ने जिबली आर्ट बनाई थी, हायायो मियाज़ाकी, उन्होंने बोला था कि भाई ये आर्टिस्ट के ऊपर एक भद्दा मजाक है कि तुम किसी की आर्ट उठा के उसके बेसिस पे अपना एक ChatGPT ट्रेन करके फिर सबको वो आर्ट बांट रहे हो, आर्टिस्ट को तो कुछ नहीं मिला ना। तो वेयर दिस जनरेटिव AI मॉडल्स कैन जनरेट कंटेंट, तो जो क्रिएटिव काम होता है जो ये जनरेट कर रहे हैं, क्या ये क्रिएटिविटी तो नहीं खा जाएंगे अल्टीमेटली, एक बड़ा सवाल है। हाल ही में एक केस आया था अर्चिता फुकान का, एक लड़की जिसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसकी कई सारी एक्सप्लिसिट वीडियोस जनरेट करके ऑनलाइन पब्लिक कर दी थी। बाद में जब पुलिस केस हुआ तब पता लगा कि भाई ये तो फेक कंटेंट है। अब कितने ऐसे होंगे जिनको ये अपडेट पता होगा, उस लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन तो हो गया ना। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल की कि AI से जो वीडियो बन रही है और जो रियल वीडियो बन रही है कैमरे से, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया है। अब द फेक इज सो रियल दैट द रियल सीम्स फेक। अब इन्फ्लुएंसर इतने होते हैं, मेटा का एक AI इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे AI इन्फ्लुएंसर हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो ज्वाइन करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का भी टर्म है AI स्लॉप, जॉन ओलिवर की एक वीडियो है, जाके देखना। बेसिकली ये होता है कि इंटरनेट पर AI जनरेटेड कॉन्टेंट इतना ज्यादा आ जाएगा कि एक पॉइंट पे आप पता नहीं कर पाओगे कि क्या सही देख रहे हो, क्या AI जनरेटेड देख रहे हो। एक और प्रॉब्लम आती है, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। अब सर्वेलेंस यूजली एक स्टेट करता है, सरकार को आपका डेटा पता है, आधार नंबर पता है, पैन कार्ड पता है, कॉल रिकॉर्डिंग पता है, वो कर सकते हैं। लेकिन जब इतना ज़्यादा डेटा आप प्राइवेट कंपनीज को देने लगते हो, लाइक OpenAI, लाइक Perplexity, लाइक क्लॉड, एंथ्रोपिक, कितनी सारी तो अब आ गई हैं, इनके पास इतना ज़्यादा डेटा है कि ये आपको एक तरह से कंट्रोल करने लगते हैं। डेटा इज़ द न्यू ऑयल, डेटा इज़ पावर, और इतना सारा डेटा इन कंपनीज के पास जा रहा है, इनको कैसे रेगुलेट किया जाए, क्या इन पे चेक पॉइंट्स रखे जाए, इसके बारे में अभी तक हमें कुछ खास पता नहीं है, कुछ खास डिस्कशन हुआ नहीं है हमारा। फिर एक पॉइंट आता है जो बहुत कम लोगों को पता है कि AI का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, क्योंकि प्रोसेसिंग पावर बहुत लगती है ना। आपको पता है कि एक गूगल सर्च से एक ChatGPT सर्च में 10 गुना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। पूरे अमेरिका की इस टाइम पे 2-2.5% इलेक्ट्रिसिटी ही सिर्फ ये AI प्रोसेसिंग में जा रही है, और माना जा रहा है कि अगले 3-4 साल में ये डबल होने वाली है। अब पूरा वर्ल्ड AI पे जा रहा है, तो जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग इसमें हो रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा तो चाहिए ही चाहिए, साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए, और ये एनर्जी जो है ये ला रही है एनर्जी क्राइसिस। तो आने वाले टाइम में जो कंट्री टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पर भी काम करेगी, वो AI रेस में आगे निकल जाएगी। और अब तक आप समझ गए होंगे, जो AI रेस में आगे निकल रहा है वही बनेगा असली विश्वगुरु। अब ये AI क्या है, इसको कैसे टैकल करना है, इसको लेकर क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस बनाने हैं, अगले साल इंडिया में ही इसको लेकर एक समिट है जिस पर इन सब पे बात होगी।
फिलहाल के लिए बेसिकली वीडियो थी जहां मुझे लगा कि यार बहुत कुछ एआई के बारे में हो रहा है, बहुत कुछ पढ़ने को मिल रहा है, सब कुछ पढ़ा एक डॉक्यूमेंट में डाला और फिर आपके साथ उसको डिस्कस कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी और वीडियोस चाहिए तो एक बार लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी। कोई आपका दोस्त हो जो एआई को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो, उसको ज्यादा अपना ओपिनियन बनाना हो, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो एज यूजुअल। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और हाँ, आउटस्किल का जो वर्कशॉप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।